पूर्व जन्म की रिद्धियां और सिद्धियां जो इस जन्म में स्वतः ही हमसे जुड़ जाती हैं, अगर हम साधना के क्षेत्र में आते हैं। यकीनन हम इंसानों को अपना पूर्व जन्म तो याद नहीं रहता, लेकिन इस जन्म में अगर हम साधना के क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि इस जन्म में मैंने बजरंगबली की भक्ति शुरू की और हनुमान जी की साधना करने के दौरान अचानक से एक नाग कन्या मुझे दिखाई पड़ने लगती है, तो हमारे लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा करती है कि हम तो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो हमें नागलोक की कोई नाग कन्या या फिर इंद्रलोक की कोई अप्सरा या फिर यक्षलोक की कोई यक्षिणी या फिर यक्षराज क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। एक्चुअल में इस जन्म में अगर हम मंत्र साधना करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं या फिर भजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सूक्ष्म जगत में एंट्री हो जाती है। तो ये जो सूक्ष्म जगत होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लेवल में फैला हुआ है और इस सूक्ष्म जगत में अनंत रूप में इतनी सूक्ष्म शक्तियां घूम रही हैं जितने कि इस आसमान में तारे हैं, जिन्हें कि इंसान आज तक गिन भी नहीं पाया है। लेकिन अगर हमारे पूर्व जन्म में हमारा नागलोक से कोई संबंध रहा होगा या फिर हम नागवंशी रहे होंगे और इस दौरान हमारी किसी गलती की वजह से हमें नागवंश से दंड के रूप में श्राप मिलता है और वो श्राप ये होता है कि हमें इंसान का जन्म लेना पड़ेगा और अपने द्वारा किए गए किसी भी पाप कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि जो यक्षलोक होता है और यक्षलोक की सत्ता में जितनी भी शक्तियां विचरण करती हैं या फिर जो नागलोक होता है, नागलोक की सत्ता में जितनी भी सत्ताएं विचरण करती हैं उनसे कोई गलती नहीं होती होगी। भले ही यक्षलोक हो, नागलोक हो, गंधर्वलोक हो या फिर इंद्रलोक हो, अगर वहाँ निवास करने वाली किसी शक्ति से कोई गलती हो जाती है तो दंड के रूप में वहाँ का प्रावधान होता है कि तुम्हें मृत्युलोक यानी कि इंसानों के बीच जन्म लेना पड़ेगा और अपने पापों का या फिर श्राप दोषों का भुगतान करना पड़ेगा। यकीनन हमें फिर भी नहीं पता होता है कि पूर्व के किस जन्म में किस गलती की वजह से हमें इस इंसान के जन्म में आना पड़ा है, लेकिन साधना के दौरान जैसे जैसे एक साधक आगे बढ़ता है तो उसे भनक लगना शुरू हो जाती है कि पूर्व के किसी जन्म में कोई न कोई गलती तो उससे जरूर हुई थी या है। तो अगर हम एक उच्च स्तर के साधक इस जन्म में बन जाते हैं या फिर बनने की कोशिश करते हैं तो पूर्व के किसी भी जन्म में हमसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो, हम इस जन्म में परमार्थ के मार्ग पर चलकर या फिर परमात्मा के मार्ग पर चलकर उन सभी श्राप दोषों से या फिर पाप दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर वो भक्ति मार्ग में आते भी हैं या फिर साधना के मार्ग में आते भी हैं तो उन्हें अगर सूक्ष्म जगत की कोई शक्ति दिखाई पड़ने लगती है, जैसे कि यक्ष लोक के यक्षराज या फिर यक्ष कन्या, गंधर्व लोक के गंधर्व राज या फिर गंधर्व कन्या, नाग लोक के कोई नागराज या फिर नाग कन्या, तो हम इन सूक्ष्म जगत की शक्तियों को सिद्ध करने की ठान लेते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां एक्चुअल में उस परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं और इन सूक्ष्म जगत की शक्तियों का सबसे अच्छा इस्तेमाल ये होता है कि परम तत्व परमात्मा यानी कि मुक्ति यानी कि मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए ये हमारे लिए सहायक सिद्ध होती हैं। लेकिन हम मोक्ष या मुक्तियों का मार्ग ना चुनकर सिद्धियों के मार्ग में ही चले जाते हैं और इस स्थूल जगत में ही सर्वाइव करने को सच मानने लगते हैं। अगर आप एक साधक हैं और आपको सूक्ष्म जगत की कोई भी शक्ति दिख रही है, लेकिन अगर आपको वो उग्र स्वभाव में दिख रही है, क्या पता पूर्व के किसी जन्म में आप एक तामसी प्रवृत्ति के साधक रहे हों और आपकी वो साधना अधूरी रही हो या फिर पूर्ण ही क्यों ना हुई हो, लेकिन इस जन्म में अगर एक बार और आप साधना के क्षेत्र में आते हैं तो पूर्व जन्म में जो भी शक्तियां आपसे जुड़ी होती हैं वो स्वतः ही आपके इस जन्म में भी आने लगती हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आप बजरंगबली की भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आपको पता नहीं ये नाग कन्या क्यों दिखाई पड़ रही है या फिर आपको यक्षलोक की कोई यक्षिणी क्यों दिखाई पड़ रही है या फिर गंधर्व लोक की कोई गंधर्व कन्या ही क्यों दिखाई पड़ रही है। जब भी आप ध्यान करने लगते हैं तो आपको बजरंगबली के सिर्फ 10% दर्शन होते हैं और ज्यादातर आपको यक्षलोक की या तो कोई यक्षिणी दिखाई पड़ती है या गंधर्व लोक की कोई गंधर्व कन्या दिखाई पड़ती है या फिर नागलोक की कोई नाग कन्या दिखाई पड़ती है। तो यकीन मानिए अगर ध्यान में आपको इस तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं तो पूर्व के किसी जन्म में आपका इन शक्तियों से कोई न कोई संबंध जरूर रहा होता है। लेकिन ध्यान साधना में अगर आपको इस तरह के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको उनके पीछे ही नहीं भाग जाना है, आपको सहजता से अपनी ध्यान साधना में डटे रहना है। भले ही आपको नागलोक के कोई नागराज दिखाई पड़ते हों, नागकन्या दिखाई पड़ती हों, कोई यक्षिणी दिखाई पड़ती हों, कोई यक्षराज दिखाई पड़ते हों, गंधर्व राज दिखाई पड़ते हों, गंधर्व कन्या दिखाई पड़ती हो, इंद्रलोक की कोई अप्सरा आपके सामने खड़ी हो जाती हो या फिर इस तरह के हजारों वर्ष पुराने वृक्षों में निवास करने वाले कोई वृक्ष वीर या फिर कोई वृक्ष कन्या
दुनिया ही क्यों ना आपको दिखाई पड़ती हो, आपको निस्वार्थ भाव से सहजता के साथ अपनी ध्यान साधना में या फिर मंत्र साधना में या फिर नाम जप में बने रहना है। अदरवाइज इस जन्म में आप एक बार फिर से इन रिद्धियों और सिद्धियों के माया जाल में फंस जाएंगे और परम सिद्धि मोक्ष के मार्ग से एक बार और वंचित हो जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश जय।